नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल एवी टेक में। दोस्तों आज है 23 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की यूपी बोर्ड की इस पहली न्यूज से। आज के दोस्तों जो पहली अपडेट है वो यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट परीक्षा को लेकर के अपडेट है। आप लोग जानते हैं 27 जून 2020 को यूपी बोर्ड का रिजल्ट जारी किया गया था, लगभग एक महीने होने वाले हैं लेकिन अभी तक कंपार्टमेंट परीक्षा के आवेदन फॉर्म शुरू नहीं हो पाए हैं। तो दोस्तों यूपी बोर्ड का कहना है कि इसके लिए यूपी बोर्ड प्रस्ताव भेज चुका है शासन को और संकेत है कि इसी माह आवेदन लेने की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। ठीक है, अब बता देते हैं कि वो कंपार्टमेंट परीक्षा होता क्या है, कौन कौन छात्र इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इंटर की परीक्षा दिया हुआ है इस साल या आपके किसी भाई बहन ने दिया हुआ है और 12वीं में आप एक विषय में फेल हैं तो एक विषय में फेल अभ्यर्थी 12वीं में इस साल कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, जबकि अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं था 12वीं में कंपार्टमेंट परीक्षा का। वहीं पर 10वीं परीक्षा की बात कर लेते हैं, 10वीं परीक्षा में अगर आप दो विषय में फेल हैं तब भी कंपार्टमेंट परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं, अगर दो में से एक विषय में पास हो गए तो आप 10वीं भी पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इसके आवेदन की समय सारणी जल्दी ही जारी होने की उम्मीद है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी इंटरव्यू को लेकर के। दोस्तों कल मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो भी बनाया था कि जो प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल है वो कल चयन बोर्ड गया था, वहाँ पर वार्ता हुई। वार्ता के बाद जो कंक्लूजन निकल के आया वो सामने आपकी स्क्रीन पर है। लिखा है अगस्त में साक्षात्कार का कार्यक्रम आने की आशा। टीजीटी पीजीटी के दोस्तों जो इंटरव्यू है उनका जो कार्यक्रम है अगस्त के फर्स्ट वीक में आने के आसार हैं। बुधवार को प्रतियोगी मोर्चा अध्यक्ष शेर सिंह की अगुवाई में चयन बोर्ड अध्यक्ष से वार्ता करने के लिए प्रतियोगी छात्र पहुंचे, जहां पर 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मुलाकात किया और इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है। चयन बोर्ड का कहना है कि इसी हफ्ते चयन बोर्ड की मीटिंग होने वाली है, मीटिंग में ज्ञापन के समस्त बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगस्त के पहले वीक में आप लोगों का इंटरव्यू कार्यक्रम आ जाएगा। मतलब जो पेंडिंग साक्षात्कार पड़े हुए हैं टीजीटी पीजीटी 2016 के वो जल्द शुरू होने हो जाएंगे, अगस्त में इसका विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की, जो छात्र हैं जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस भर्ती की, दरोगा भर्ती की, इसके अलावा मिनिस्ट्रियल स्टाफ में कई सारे पद हैं, तो दोस्तों इनके लिए एक अच्छी खुशखबरी ये है कि सितंबर में इनके आवेदन शुरू हो सकते हैं। लगभग 6000 पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं, सितंबर में आवेदन शुरू हो सकते हैं और दिसंबर में आप लोगों की परीक्षाएं भी हो सकती हैं इसकी। तो इसके लिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग है पूरी तैयारी कर रहा है और जो परीक्षा एजेंसी है उसके चयन के लिए टेंडर जारी कर दिया है। लगभग 6 से 7 कंपनियां देखी जा रही हैं, उसमें जिसका चयन हो जाएगा वो आप लोगों की परीक्षा करवाएगी और भर्ती प्रक्रिया संपन्न करवाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा है कि किस तरीके से कितने पद हैं, कुल मिलाकर के देखा जाए तो 6130 पद हैं, इसमें से 1300 पद हैं जो ASI और मिनिस्ट्रियल अकाउंटेंट व स्टेनो पदों की भर्ती के लिए है। ठीक है, और 3000 जो 12 पद हैं वो पुरुष जेल वार्डर के पद हैं, इसमें से 626 पद हैं महिला जेल वार्डर के हैं, घुड़सवार के 102 पद हैं, फायरमैन के 2065 पद हैं, इस तरीके से है। और नवंबर या दिसंबर में आप लोगों की परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं और सितंबर से इसके लिए फॉर्म भी भराए जा सकते हैं। तो आप लोग इसकी अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सारी अपडेट आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी। बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती दोस्तों 3900 पदों पर आनी है लेकिन थोड़ा सा इसमें विलंब हो रहा है, इस वजह से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं कि आखिर भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। लिखा है प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की अनुमति मिल चुकी है, उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3900 पदों का अध्याचन भी तैयार कर लिया है, लेकिन जो अध्याचन अभी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है, इस स्थिति से प्रतियोगी छात्रों का धैर्य जवाब दे रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने बुधवार को निदेशालय पर प्रदर्शन किया। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर वंदना शर्मा का कहना कि 15 जुलाई तक अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग को भेजने की तैयारी थी लेकिन विज्ञापन संख्या 47 के चिन्हितों का ब्यौरा भेज दिया गया, इसमें काउंसलिंग कार्यक्रम शुरू करना पड़ा है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा विलंब हो रहा है। तो आप लोग बिल्कुल भी निराश ना हो, भर्ती आनी है तो आनी है, थोड़ा विलंब ही सही, आखिर आप लोग कर भी तो क्या कर सकती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों अब महत्वपूर्ण एक सूचना की, जो भर्ती आनी है जूनियर एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक एवं प्रधानाचार्य की भर्ती। ठीक है,
तो दोस्तों इसमें अध्याचनों का विवरण भेजने के लिए एक बार फिर से लेटर जारी किया गया 22 जुलाई 2020 को। आप लोग जानते हैं जूनियर एडेड में लगभग 4500 पदों पर भर्तियां आनी हैं और शासन स्तर से लगातार अध्याचन मांगे जा रहे हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं वो इस पर आनाकानी कर रहे हैं। अधिकारी इसमें अध्याचन नहीं भेज पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा लिखा है कि 29 जून का लेटर देखिए अधिकारियों को कहा गया, और इसमें जो सूचनाएं हैं अध्याचन मांगने के लिए कहा गया था और इसकी डेट 20 जुलाई दी गई थी, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी तक अध्याचन नहीं भेजे गए, इसलिए इससे दोबारा से लेटर 22 जुलाई को जारी हुआ है और कहा है कि हर हाल में 23 जुलाई तक यानी आज तक ईमेल आईडी इस पर जो सूचना है ऊपर उस पर उपलब्ध करा दें। अब देखना ये होता है उपलब्ध करा पाते हैं या नहीं करा पाते, वैसे संभावना तो बहुत ही कम है क्योंकि अधिकारी इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। अधिकारी ध्यान वहाँ देते हैं जहाँ पर उनकी मोटी कमाई होती है। यहाँ पर आप लोग एक फॉर्म दे सकते हैं, इस फॉर्म में पूरा लिखा है कि कितने पद कहाँ पर हैं और कितने पदों का अब तक अधियाचन आ चुका है। जैसे यहाँ पर देखें आगरा की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 61 विद्यालय हैं, 27 विद्यालयों का अधियाचन आ चुका है, इसमें से 4 विद्यालयों का अधियाचन त्रुटि है, कहने को 23 विद्यालय ही बचे जिनका अधियाचन अभी सही से आया हुआ है और 38 विद्यालयों ने अभी तक अधियाचन नहीं भेजा है। इसी तरीके से हर जिले की यहाँ पर पूरी रिपोर्ट दी गई है, हर जिले की हर मंडल की, ठीक है। इसमें अगर रिपोर्ट को भली भांति देखा जाए तो इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि शायद ही अभी 20% ऐसे स्कूल होंगे जिन्होंने अपना अधियाचन भेजा है, 80% स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अधियाचन भेजा ही नहीं है। यहाँ पर नीचे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को, ठीक है। इसको अगर आप देखना चाहते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगली बात करते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है टीजीटी बायोलॉजी कोर्ट केस की। कई मित्र पूछ रहे हैं सर बायोलॉजी केस की सुनवाई होनी थी, क्या हुआ क्या हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए अपडेट आपके सामने है, रिट 1983/2019 है और इसकी सुनवाई की अभी फिलहाल कोई भी डेट नहीं लगी है। 20 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन 20 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई क्योंकि कोर्ट ही नहीं बैठी थी और छुट्टियां थी कोर्ट में, इस वजह से सुनवाई नहीं हो पाई। अब कब सुनवाई होगी आगे कुछ भी स्पष्ट नहीं है क्योंकि केस अभी लिस्ट में नहीं रखा गया है। जैसा कुछ अपडेट निकल के आएगा जब सुनवाई होगी आपको आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहीं पर सारी अपडेट मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं टीटी और बीटीसी के ऑनलाइन सत्यापन के बारे में। दोस्तों इस समय आप लोग जानते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती हो, जूनियर शिक्षक भर्ती हो या अन्य कोई भर्ती हो, जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं सभी सभी का इस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें बड़ी समस्या आ रही थी, अभ्यर्थी और जो थे वो सब बीटी परीक्षण प्राधिकारी के चक्कर लगा रहे थे सत्यापन करवाने के लिए। तो यहाँ पर नोटिस जारी करके परीक्षण प्राधिकारी की तरफ से कह दिया कि आप लोग परिषद यानी कार्यालय इलाहाबाद बिल्कुल भी ना आए, सारी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड हैं, ऑनलाइन ही सत्यापन करें। अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दे दिया गया है। लिखा है कि टीटी 2013, 14, 15, 16, 17 के जितने भी उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं सबका जो डाटा यहाँ पर अपलोड है, यहाँ से आप लोग वेरिफिकेशन कर लें। वहीं बीटीसी की बात करें 2011, 12, 13, 14, 14, 15 शिक्षा मित्रों का 2 वर्षीय कोर्स, इन सबका जो डाटा है इस वेबसाइट पर अपलोड है, यहाँ से ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। परिषद कार्यालय आने की कोई भी जरूरत नहीं है, अगर जरूरत होती है कोई गलती पाई जाती है सत्यापन में तो उसके लिए ईमेल आईडी से सूचना दें। बात कर लेते हैं माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांसफर की न्यूज को लेकर के, यहाँ पर बात हो रही है एडेड को लेकर के, ठीक है। तो लिखा है शिक्षकों के स्थानांतरण पर निर्णय लेने का आदेश। दोस्तों मामला ये है कि 2019 में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया था, सारी फाइलें पत्रावली पूरी थी जून 2019 तक, और उसके बाद आदेश आ गया कि किसी भी शिक्षक का अब ऑफलाइन ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो बहुत से ऐसे साथी हैं जो कोर्ट गए थे तो कोर्ट ने इन्होंने कहा कि जिनकी पत्रावली कंप्लीट है उन पर उचित निर्णय लिया जाए और उनको 4 सप्ताह में सरकार को जवाब देना है, ठीक है। कि इनको मतलब कहने का मतलब ये कोर्ट ने कहा है कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसा कुछ अपडेट आएगा आपको आने वाले वीडियोस में सूचित किया जाएगा।
लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं, तो लखनऊ विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होनी है अंतिम वर्ष के छात्रों की, उनका पूरा शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। OMR सीट पर होगी MCQ परीक्षा, क्या होगा परीक्षा पैटर्न, यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। BCOM अंतिम वर्ष, BCOM ऑनर्स और PG फाइनल, यानी अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ होंगी, और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा, उसका भी फार्मूला तैयार कर लिया गया। तो आप लोग लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट चेक कर लें, यहाँ पर सारी सूचनाएँ आपको मिल जाएंगी। बैंक कर्मियों की बात कर लेते हैं दोस्तों, बैंक कर्मियों के वेतन में 15% तक वार्षिक बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर एक मामला चल रहा था तो उस मामले पर फिलहाल सहमति बन गई है, ठीक है, और इस पर अब 8.5 लाख जो बैंक कर्मचारी हैं वो उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, और जो ये 15% वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा ये नवंबर 2017 से प्रभावी माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की, जिस पर सहमति बन गई और ये चालू वित्त वर्ष से मिलेगा, लेकिन ये बनेगा एरियर नवंबर 2017 से, ठीक है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो कोरोना को लेकर के अपडेट है दोस्तों, पहली बार एक दिन में 48,000 नए मामले सामने देखने को आए हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, इन सब ने देश की हालत बिगाड़ रखी है, बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं देखने को। तो दोस्तों आप लोग सतर्क रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, ठीक है, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।